अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज मैं ट्राई कर रही हूँ चिप्स पिज़्ज़ा, और ये मैंने नेट पर देखी थी, ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है, तो मैंने कहा आज मैं भी ट्राई करती हूँ ये चिप्स पिज़्ज़ा किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ी टमाटर लिए, टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, और दो पैकेट यहाँ पर मैंने ले लिए नॉर्मल वाली लेज। जो आप वैसे चाहें तो कोई सी भी चिप्स वगैरह ना इसमें यूज़ कर सकते हैं, अंकल चिप्स वगैरह या कोई और सी भी नॉर्मल चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेज यूज़ कर रही हूँ, लेज ली थी दो पैकेट, और साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज, और इसी तरह हम इसके ऊपर टमाटर वगैरह भी ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ टमाटर और प्याज ही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर कैप्सिकम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स वगैरह जो भी पसंद की होती है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, ये डाइस वाली चीज़ है, और आप चाहें तो नॉर्मल चीज़ भी ले सकते हैं, उसे श्रेड कर सकते हैं, इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने इस तरीके की प्लेट पर डाल दी हैं, और ये कांच की प्लेट है, और गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कांच की प्लेट, और ये हीट रेजिस्टेंट है। तो आप जब ये रेसिपी ट्राई करें ना, प्लास्टिक की प्लेट तो बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर प्री हीट करके मैंने रख दी थी कढ़ाई प्री हीट करने के लिए, और ये अच्छी तरह से इस टाइम जो है ना वो गर्म हो चुकी है, और वैसे ये थोड़ी गर्म हो चुकी थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा और रख दिया था। उसके बाद ये अच्छी तरह से फुल गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ये प्लेट प्लेस कर देंगे, और इसे हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि यहाँ पर जो चीज़ है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है ना वो भूल गई थी, और वो है पिज़्ज़ा सॉस। मतलब आप कोई भी पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह भी इसमें ऐड कर दी है, और इसे दोबारा से कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज़ है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, और हमारा मज़ेदार सा चिप्स पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हो चुका है। और आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक वगैरह में भी खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।